विदेशी बाजारों में तेजी के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में शुक्रवार को मूंगफली और सोयाबीन तेल तिलहन, बिनौला, सीपीओ, पामोलिन तेल की कीमतों में सुधार का रुख देखने को मिला। दूसरी ओर सरसों की नई फसल की मंडियों में आवक बढ़ने से सरसों तेल तिलहन के भाव गिरावट के साथ बंद हुए। सरसों को छोड़कर बाकी सभी खाद्य तेलों में बढ़त देखने को मिली है। इंडस्ट्री ने अनुमान दिया है कि इस साल सरसों के रकबे में तेज बढ़त देखने को मिली है, जिसकी वजह से इस सीजन में सरसों का उत्पादन रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच सकता है। इन्हीं संकेतों से सरसों में नरमी आई है। बाजार सूत्रों ने बताया है कि शिकागो एक्सचेंज में 0.1% तथा मलेशिया एक्सचेंज में 0.6% की तेजी दर्ज की गई थी। विदेशों में बाजार में मजबूती का रुख है। विदेशी बाजारों की इसी तेजी को देखते हुए सरसों छोड़कर बाकी तेल तिलहनों के भाव में सुधार आया। मंडियों में शुक्रवार को सरसों के नए फसल की आवक बढ़कर लगभग 3 लाख बोरी हो गई, जो सरसों तेल तिलहन की कीमतों में गिरावट आने का मुख्य कारण भी है। सूत्रों का कहना है कि सरकार को खाद्य तेलों के आयात को कम करने के साथ तेल तिलहन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता हासिल करने को तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। तेल उद्योगों के प्रमुख संगठन केंद्रीय तेल उद्योग एवं व्यापार संगठन यानी COOIT ने भी सरकार से तिलहन विशेषकर की सरसों की खेती के रकबे को बढ़ाने के साथ साथ तिलहन उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन दिए जाने की सरकार से मांग भी की है। COOIT का मानना है कि तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर जोर देने से न केवल इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि आयात पर बड़ी मात्रा में खर्च होने वाले विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन कम होने के आसार हैं। इस सूचना से भी सोयाबीन तेल की कीमतों में तेजी रही। सोयाबीन तेल की कीमतों के मजबूत होने से सोयाबीन दाना एवं लूज के भाव में भी मजबूती देखी गई। बाकी तेल तिलहनों के भाव अपरिवर्तित बने रहे। इंडस्ट्री का अनुमान है कि विदेशी बाजारों में फिलहाल कीमतों में बढ़त के संकेत हैं, लेकिन सरसों में आने वाले समय में राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि जल्द ही नई फसल की आवक तेज होगी और उसे प्रोसेस करने का काम तेज होगा। सरसों की कटाई के फरवरी अंत से रफ्तार पकड़ने का अनुमान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।